वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। एलिवेटेड फ्लाईओवर हाईवे पर भूपतवाला क्षेत्र में लगने वाले जाम से अब लोगों को निजात मिलने वाली है। NH-34 पर बनकर तैयार हुए 3 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड फ्लाईओवर का यातायात के लिए उसे खोल दिया गया है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हरिद्वार पहुंचकर फ्लाईओवर समेत कुल 4,750 करोड़ की 30 परियोजनाओं को लोकार्पण शिलान्यास किया। उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेता मौजूद रहे। उत्तरी हरिद्वार क्षेत्र में बनकर तैयार हुए करीब 3 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के शुरू हो जाने से आगामी चारधाम यात्रा में लोगों को जाम से निजात मिलेगी। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तराखंड में NHAI की 1 लाख करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं और कई अन्य योजनाओं को भी स्वीकृति दी जानी है। आने वाले 2 से 3 सालों में NHAI के जरिए उत्तराखंड में 2 लाख करोड़ की परियोजनाएं पूरी कर ली जाएंगी। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस साल दिसंबर में दिल्ली से देहरादून के लिए बन रहा 213 किलोमीटर लंबा 6 लेन हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी मात्र 2 घंटे की रह जाएगी और इस रूट पर कोई हवाई यात्रा नहीं करेगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताते हुए कहा कि उत्तराखंड में तेजी से रोज इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ यात्रियों श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब उत्तराखंड में 2014 में 2517 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था, पर मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि 2024 में यह संख्या 3608 किलोमीटर हुई है। अभी तक जो प्रोजेक्ट हुए और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो 1 लाख करोड़ के हैं और करीब मंजूर करने वाले प्रोजेक्ट और 60,000 करोड़ के हैं। मेरा विश्वास है कि आने वाले 2-3 साल में जब प्रोजेक्ट पूरे होंगे तो उत्तराखंड का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे विभाग से 2 लाख करोड़ रुपए के कार्य होंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ। ऑल वेदर सड़क परियोजना के एक बड़े हिस्से का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और श्रद्धालुओं की जो आवाजाही है वो बहुत सुगम बनाई जा रही है। उसी का प्रतिफल है कि जहाँ कुछ लाखों में यात्री आते थे, इस वर्ष 56 लाख यात्री आए हैं। 56 लाख यात्रियों ने चार धामों के दर्शन किए हैं। हमारा राज्य छोटा है लेकिन उसके बावजूद भी राज्य के अंदर 21 स्टेट हाईवे 21 हाईवे और 69 स्टेट हाईवे हैं। प्रदेश में सड़कों की दशा में पहले से अद्भुत रूप से विस्तार हुआ है, सुधार हुआ है। जहां भारतमाला परियोजना में 5 महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर ऑल वेदर प्रोजेक्ट के माध्यम से 4 धामों को जोड़ने वाले बसंत पंचमी के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो जाएगी, जिसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है। यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर जोशीमठ उपजिलाधिकारी ने बद्रीनाथ धाम का निरीक्षण किया। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के चलते कई जगह पर राजमार्ग खराब रहा, जिसे उपजिलाधिकारी द्वारा ठीक करने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के चलते मास्टर प्लान का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। उपजिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ ने बताया कि बर्फबारी की वजह से जगह जगह राजमार्ग खराब हुए हैं, जिन्हें ठीक करने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए गए हैं। श्रावस्ती में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका लगा। विपक्षी नेताओं कार्यकर्ताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। श्रावस्ती के सपा बसपा कांग्रेस में रहे नेताओं कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा। मुस्लिम कार्यकर्ताओं और सर्वाधिक संख्या में महिलाओं ने भी बीजेपी की सदस्यता, करीब 80 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने विपक्षी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। कई गांवों के ग्राम प्रधान सहित क्षेत्र पंचायत सदस्य और जनता और जनप्रतिनिधियों ने बीजेपी का ग्रहण की सदस्यता। भाजपा विधायक रामफेरन पांडे की अगुवानी में आवास पर सभी लोगों को दिलाई गई शपथ। बीजेपी में शामिल हुए लोगों ने कहा कि सरकार की नीति और मोदी योगी की योजनाओं से हम सब प्रभावित हैं। कि जिस घर में मोदी जी की योजना न गई हो और जो विरोधी ताकतें थी, ये केवल वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, वोट हथियाने के लिए जनता को खूब बेवकूफ बनाया, लेकिन अब जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है कि ये लोग हम लोगों को केवल अलगाव बात कर रहे हैं। और जितनी सरकारें थी, क्या पहले खजाना नहीं था कि पहले ये विकास करना चाहते तो ना होता। खबर गांडा से, जहां छपियाना थाना क्षेत्र के मूलीखोरी गांव में टीन शेड रखने को लेकर दो पक्षों में मारपीट और फायरिंग हो गई। घटना में एक फौजी ने विवाद हो गया, जिसके बाद फौजी योजनाबद्ध तरीके से अपने करीब सहित 10 लोगों के साथ दूसरे पक्ष के घर पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग कर मारपीट करने लगा, जिससे एक महिला समेत 6 लोग घायल हो गए। बता दें कि पीड़ित के घर पर शादी समारोह होने के चलते रिश्तेदार और ग्रामीणों के सहयोग से
घायलों को सीआरसी चौपिया पहुंचाया गया, जहां पर घायल महिला को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। लड़के देखिए, थाना छपिया क्षेत्र के महुली खोरी गांव में एक फायरिंग की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। जब मौके पर आकर यहां पर जांच की गई तो ये जानकारी हुई कि आसपास के दो पक्षों में किसी बात को लेकर, टीन शेड लगाने की बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके फलस्वरूप एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष में, जिस घर में शादी थी, फायरिंग कर दी गई, जिसमें कुल 6 लोगों के घायल होने की सूचना पुलिस को मिली थी। उन 6 को यहां पर सीएससी ले जाया गया, जहां पर एक महिला जिसकी उम्र करीब 60 वर्ष बताई जा रही है, उनकी मृत्यु हो गई। शेष जो 5 लोग थे उन्हें जिला अस्पताल बेहतर उपचार हेतु रेफर किया गया है। उत्तर प्रदेश योगी सरकार में दबंगों को नहीं है यूपी पुलिस का खौफ। आए दिन किसी न किसी जिले से मारपीट, हत्या, फिरौती जैसी घटनाएं सामने आती रहती है। अब ऐसे में मामला कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र के देवनीपुरवा गांव से सामने आया है, जहां 4 दबंग हिस्ट्री शीटर्स ने एक युवक को कुल्हाड़ी से मार मार कर अधमरा कर दिया। चुपकार सुनकर कुछ लोगों ने युवक को गंभीर हालत में बचाया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची ग्वालटोली पुलिस ने घायल युवक को हालत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि ग्वालटोली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, उसके बाद गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं पीड़ित गुड़िया ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनके पति सुनील, जो गंगा में नाव चलाने का काम करते हैं, शाम को जब घर जा रहे थे तभी रास्ते में घात लगाए बैठे दुबेचंद, मिथिलेश सीताराम और राम खिलवान 4 दबंगों ने उसे पकड़ लिया और उस पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। पैसे ले देकर उसको चौकी से ही छोड़ा गया है। इसी को लेकर पीड़ित परिवार एसपी कर्नलगंज के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचा हुआ है। देखिए, 2 दिन पहले परमट घाट के पास कुछ नाव वालों में झगड़ा हुआ था, जिसमें सुनील नाम के नाव और नाविक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिसमें कुल्हाड़ी से उसके ऊपर वार किया था, जिसमें हेड इंजरी और कई चोटें आई थी, जिस पुलिस के द्वारा 307 का मुकदमा पंजीत किया गया था और जिसमें 4 लोग नामजद हैं। पुलिस लगातार उनकी दबिश दे रही है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने वाले एक दुकानदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना कुतुबेश्वर पुलिस द्वारा अवैध प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने वाले एक दुकानदार को करीब 1.30 किलोग्राम प्रतिबंधित चाइनीज मांझा चरखी 2 बंडल सहित गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण और प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री करने वालों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबेश्वर पुलिस टीम द्वारा प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानदार अजय कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी खलासी लाइन नेहरू नगर टोक थाना सदर बाजार सहारनपुर को शारद नगर पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। बाराबंकी जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हरक के पास लखनऊ जनपद निवासी शशांक सिंह का मोबाइल फोन कहीं गुम हो गया, जिसकी जानकारी स्थानीय थाने पर होने के बाद क्षेत्र में तैनात कांस्टेबल सुजीत सिंह और वीरेंद्र सिंह द्वारा कम समय में मोबाइल फोन को बरामद कर मोबाइल के मालिक शशांक सिंह को सुपुर्द कर दिया। वहीं मोबाइल पाने के बाद शशांक सिंह ने पुलिस के कार्य की प्रति प्रशंसा जाहिर करते हुए धन्यवाद दिया। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रबल पैलेस गेस्ट हाउस में एक शादी समारोह में हलवाइयों और वेटरों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में हलवाई गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि गंभीर हालत में वो पहुंच गया था, जिसको कुछ लोगों ने चंद्रिका अस्पताल में भर्ती कराया, जो कि आईसीयू में है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पीड़ित की मां और भाई ने कल्याणपुर थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपियों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें कुछ लड़के गिरफ्तार किए गए हैं। मामले में जांच पड़ताल चल रही है। थाना प्रभारी ने क्षेत्र में दागे दबंग गेस्ट हाउस संचालक के ऊपर भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मेरा भाई के साथ झगड़ा हुआ है, जो है दूसरे लोगों ने मारा है, प्रबल पैलेस में, तो आईसीयू में भर्ती है और यहाँ पे एप्लीकेशन दी तो अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। भाई तुम्हारा क्या काम करने आया था? हलवाई है। अच्छा, पुलिस को अपना प्रार्थना पत्र दिया है जी? क्या कार्रवाई हुई अभी तक? अभी कुछ नहीं हुई है। उस गेस्ट हाउस के आपने सीसीटीवी वगैरह मांगे थे, क्या हुआ उसका? उसमें जो बोल रहे थे कि हमने कहा सीसीटीवी कैमरा की हमें फुटेज दिखाओ, तो वो बोले माउस मेरा बेकार है। उसमें एक और दीवान जी भी थे, पुलिस वाले थे, तो कह रहे थे कि चलो बाहर निकलो। तो क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या मांग करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई हो सके। 21 फरवरी को राहुल गांधी कानपुर शहर आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष नौशाद आलम ने बताया कि राहुल गांधी के कानपुर आगमन को लेकर हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से लेकर दूसरे दलों के प्रतिनिधियों तक को आमंत्रित कर रहे हैं, जो राहुल गांधी जैसी विचारधारा रखते हैं। वह इनकी यात्रा में अपना चेहरा दिखाने के लिए लोकसभा के दावेदारों में भी होर्डिंग और बैनर से शहर को पाटने की तैयारी हो चुकी है।
खबर गौरने से, जहां कचरा बाजार थाना क्षेत्र का सरवागपुर गांव मामूली विवाद में कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया है। इस गांव के पैदामी पुरवा मजरे में रास्ते के विवाद को लेकर जमकर संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों में पथराव और फायरिंग हुई है। रास्ते के विवाद में एक पक्ष से लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग हुई और दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हुई है। पत्थर चले हैं। गाँव के ही मुस्तकिम आलम और हाफिज अली में विवाद हुआ, जिसमें मुस्तकिम ने लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की और फायरिंग और पथराव का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रास्ते में लकड़ी का खंभा गाड़ने को लेकर पहले विवाद हुआ, कहासुनी और फिर विवाद इस कदर बढ़ गया कि मुस्तकिम ने छत से लाइसेंसी बंदूक से कई राउंड फायरिंग कर दी। अब वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। बाराबंकी रेलवे स्टेशन का चयन अमृत भारत स्टेशन के तहत हुआ है, जिसके चलते रेलवे स्टेशन पर तमाम बदलाव किए जा रहे हैं। इस बदलाव में रेलवे ट्रैक पर बना हुआ पैदल पथ एक तरफ से हटा दिया गया है। अब इसे दोबारा नहीं बनाया जाने वाला था। पैदल पथ हटा जाने के बाद बंकी कस्बे में रह रहे लोगों के सामने बाराबंकी आने जाने के लिए समस्याएं खड़ी हो गई हैं। इस समस्या को लेकर सभासद सिद्दकी कस्बे के अन्य लोगों के साथ बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत के पास पहुंचे। सभासद सिद्दकी ने सांसद को ज्ञापन देते हुए कस्बा वासियों के सामने खड़ी हुई समस्याओं से अवगत कराया। देखिए, साहब ने बताया आपको जो लेटेस्ट है, जो हम लोग का डिस्कशन हुआ, साहब ने आपको बताया वही एकदम सत्य है और हम लोग उसको फटाफट सैंक्शन कराने के प्रयास में लगे हैं। विभाग के अधिकारी उसको संज्ञान नहीं ले रहे हैं, ऊपर से ये तो तत्काल संज्ञान लेते हैं। नहीं देखिए, अगर संज्ञान लेते तो जो रेल पथ था उसकी डिजाइन में रेल पथ होता, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी फेलियर है कि मतलब ऐसा। देखिए, वो आप बहुत बड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे 38 करोड़ का स्टेशन बन रहा है, इतने सारे आरओबी आरयूबी अभी इनॉग्रेट हुए हैं, एक एक करके सैंक्शन हो रहे हैं। कासगंज में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया के काफिले ने पटियाली विधानसभा के ग्राम नगला खुशहाली में रात्रि प्रवास किया। सांसद के साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष केपी सिंह सोलंकी, अंबापुर विधायक हरिओम वर्मा, कासगंज विधायक देवेंद्र राजपूत, पिशावर जिलाध्यक्ष डीएस लोधी, डीएस पाल, महेंद्र सिंह बघेल, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि बॉबी कश्यप, प्रोफेसर नीरज किशोर मिश्रा समेत नेतागण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर नीरज मिश्रा ने किया। वहीं उन्होंने प्रोफेसर मिश्रा से सांसद के विकास कार्यों की जानकारी देते हुए जनता को अवगत कराया कि मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जीता है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वाले इंडिया के साथ।